हेलो गाइस, दिस इज गौरव एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो बहुत दिनों बाद आज मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और व्लॉगिंग भी मेरी जो नई बाइक है उसके ऊपर बैठ के व्लॉगिंग हो रहा है, जो कि है होंडा सीबी 200X। और इसका माइलेज टेस्ट तो मैंने कर लिया है। ये गाड़ी डिलीवरी लिए थी मैंने 19th को, गए महीने में 19th को मैंने ये गाड़ी लिया था। उसके बाद मैंने बहुत दिनों से कोई तो वीडियो बनाया नहीं था, तो 19th को जब मैंने गाड़ी लिया था तभी भी मैंने डिलीवरी के लिए भी व्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद ये गाड़ी पे अभी 2 हफ्ते से ऊपर हो गया मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ। जब मैंने 19th को गाड़ी लिया था तभी मैंने टैंक फुल किया था, और कुछ मैंने जो है पावर डाला था शेल का, जो कि 1400 में इसका टैंक फुल हुआ था। तो उसके बाद अभी जो मैंने गाड़ी चला लिया है 317 किलोमीटर, और जो पेट्रोल का जो ये होता है लेवल वो एकदम ख़त्म हो गया, और लास्ट लेवल जो है वो ब्लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब अभी टैंक जब से मैंने फुल किया था तभी से लेके अभी तक 318 किलोमीटर चला है। मतलब अगर आप फुल टैंक करते हो होंडा सीबी 200X का, तो मैंने जो है वो मैक्सिमम तो सिटी में ही चला है, क्योंकि मेरा सिर्फ घर से ऑफिस तक आना जाना होता है, तो मैंने मैक्सिमम मेरा जो रनिंग हुआ है वो सिटी में ही हुआ है। तो ये एक टाइप का माइलेज टेस्ट ही हुआ है, और मैंने जो माइलेज टेस्ट है वो टैंक टू टैंक किया है। तो अभी मैं एक बार फिर से पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ, अभी देखता हूँ मैं कितने का पेट्रोल भराऊँगा। बट मेरे हिसाब से जो माइलेज टेस्ट होता है वो हिसाब से मैंने माइलेज टेस्ट किया है, और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं जो 1 लीटर वाला माइलेज टेस्ट जो है ना, वो FI वाली जो जितनी भी बाइक्स है उतने सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि उसमें इतना आपका एक्यूरेसी नहीं पता चलता है कि आपको गाड़ी ने कितना माइलेज दिया। बट अभी जो हिसाब से मैंने ये जो माइलेज निकला है ये टैंक टू टैंक मेथड है, क्योंकि अभी ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब अभी तो पेट्रोल ख़त्म होने आया है। तो अभी मैं पेट्रोल भरवाने ही आया हूँ, तो सोचा था कि एक वीडियो भी बना लूँ। अभी ये शेल का पेट्रोल पंप है ठाणे में, यहाँ से मैं पेट्रोल भरवाता हूँ। ज़्यादा पेट्रोल नहीं डालूँगा, 1000 रुपये के डालूँगा, क्योंकि मुझे जो वीडियो बनाना था वो वीडियो बनाने का जो पर्पज़ था वो यही था कि पता चल सके कि मेरा अभी तक फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुआ है, तो पता चल सके कि ये गाड़ी जो पहले सर्विसिंग के पहले कितना माइलेज देता है। तो अभी मेरे हिसाब से तो 318 किलोमीटर चला है, आप देख सकते हो 318 किलोमीटर चला है गाड़ी। अभी ये शेल का पेट्रोल है, नॉर्मल पेट्रोल जो है वो 114 लीटर है, और पावर जो है 124, पावर 124 सादा 115 पावर टाका 1000 रुपये था, 1000 रुपये पावर डाको, प्लीज सर उतर लो। यहाँ पे एक नया रूल है, पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी से उतरना पड़ता है, 1000 पावर। कैसे? कैच कैसे? तो ये जो पेट्रोल पंप है वो ठाणे में नया खुला है। ठाणे में पहले शेल का पेट्रोल पंप नहीं था, और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि शेल का पेट्रोल अच्छा होता है, इसके लिए मैंने भी पहली बार यही से भरवाया था। बट अभी जैसे अभी आपने देखा कि 124 रुपीज़ लीटर पावर है, तो वो टाइम पे मेरे गाड़ी में कुछ 11-12 लीटर पेट्रोल डला था, तो उसका जो अमाउंट हुआ था वो 1400 रुपये हुआ था। अभी 8.05 लीटर हुआ है, तो उसका जो अमाउंट है 1000 रुपीज़ में 8.05 लीटर बैठा है। तो गाइस, मैंने पेट्रोल भरवा लिया है। अभी जो ट्रिप है वो आप देख सकते हो, ट्रिप ए ट्रिप बी दोनों 3318 है। तो अभी ट्रिप ए को ज़ीरो कर लेते हैं। अभी यहाँ से देखेंगे कि ट्रिप
ये जो है अभी ये टैंक फुल होने तक, अभी तो फुल करा लिया मैंने, टैंक खाली होने तक गाड़ी कितना माइलेज देता है ये ट्रिप ए में आपको दिखाएगा। अगर हो सके तो इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अगर हो सके तो इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और वो भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी इसका फर्स्ट सर्विस होना बाकी है। शायद हो सके फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा और माइलेज है, होप सो कि और माइलेज देना चाहिए, क्योंकि 318 ही चला था, राइट 318 किलोमीटर चला है, वो भी 12 लीटर पेट्रोल में, 12 छोड़ो 11 लीटर पेट्रोल में 318 किलोमीटर चला है। अप्रोक्सीमेट इसने कितना माइलेज दिया है, 28, 29, 30 का पकड़ लो, 30 का माइलेज ही आई है गाड़ी ने 200 cc। और इसके जो कंपैरिजन में जो मॉडल है एक्सपल्स 200, वो 35-38 तक तो माइलेज देता ही है। तो अगर 30 का माइलेज ये गाड़ी दे रहा है तो ये माइलेज बहुत कम है इसके कंपटीटर के हिसाब से। होप सो अगर फर्स्ट सर्विस के बाद इसका माइलेज अच्छा होता है तो वेल एंड गुड। सो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये गाड़ी के बारे में आपके पास कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।